गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो भाई दोस्तों, आज मैं आपको घुमाता हूँ सेक्टर 2 IMT मानेसर। आप घर पे पड़े पड़े बोर हो रहे होंगे, तो चलो सोचा इस बारे में घुमा देता हूँ। बाकी लोग तो काम धंधे पे निकल गए अपना, जिसको जॉब करना है, बिजनेस करना। जो लोग घर पे बोर हो रहे हैं उसके लिए वीडियो है, आप मजे करो, वीडियो देखो। मजाक कर रहा हूँ यार, सबका काम होता है, किसी का दिन में होता है, किसी में रात में होता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, जिसका जैसा काम है। मैं भी अपना बिजनेस में हूँ। सेक्टर 2 में मुझे थोड़ा सा काम है। बेसिकली सेक्टर 2 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो मोस्टली जितने भी IMT के काम है वहीं पर ही होते हैं। देखो भाई दोस्तों, ये है IMT चौक। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो IMT चौक के नीचे से राइट लेंगे तो आप सीधा सेक्टर 2 पहुंच जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप सेक्टर 1 में आ जाएंगे IMT मानेसर में। तो अभी हमें सेक्टर 2 जाना है और मैं सेक्टर 1 की तरफ से आ रहा हूं, तो इसलिए मुझे सीधा क्रॉस करना होगा। ये सीधा क्रॉस करके मैं बिल्कुल सीधा चला जाऊंगा सर्विस लाइन में, और सेक्टर 2 यहां से शुरू हो जाता है। यहां से सेक्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं भाई। जैसे ही आप कट से सीधे आते हैं तो ठीक सामने उल्टे हाथ पे पड़ेगा आपके HSIDC का ऑफिस, और राइट हैंड पे पड़ेगा तहसील ऑफिस मानेसर, और इसी के अंदर पड़ता है आपका HSID नगर निगम मानेसर का ऑफिस। नगर निगम नया बनाया मानेसर, इससे पहले नहीं था, और इसका भी ऑफिस यहीं पर है। चलो मैं आपको HSIDC की बिल्डिंग दिखा देता हूँ। देखो जी, यह है HSIDC की बिल्डिंग, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी विभाग भी है और नगर निगम का ऑफिस भी इसी के अंदर खुला है, IMT मानेसर वाला। अगर आपको यह ऑफिस अंदर से देखना है तो मुझे बता देना, मैं आगे वीडियो बना दूंगा। यहाँ तो इस जगह तो सारे लॉयर बैठे रहते हैं। और यह है तहसील ऑफिस मानेसर, जहाँ पर आपके लीगल जो भी काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई और डॉक्यूमेंट्स बनाना है जो कंपनी के अंदर आपको देना है, तो वो सारे लीगल काम आपके यहाँ हो जाते हैं। और इसके पास ही बहुत सारे लॉयर बैठे होते हैं, जहाँ पर आप अपना काम आप करा भी सकते हैं। चलो भाई, अब हम चलते हैं सामने अमरपाली में। मेन काम है मेरा, लेकिन साथ में मैं आपको सारी जगह दिखा देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों IMT चौक से जैसे आप सेक्टर 2 के लिए कट लोगे, बिल्कुल ठीक सामने आपके होंडा कंपनी पड़ती है। ये सामने होंडा स्कूटी का बोर्ड लगा हुआ है, और बस यहाँ से होंडा कंपनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि सेक्टर 3 के अंदर पड़ती है बेसिकली। और बस इस कट से हम राइट ले लेंगे, तो जैसे ही राइट लेते हैं लेफ्ट हैंड पे होंडा कंपनी आ जाती है, और राइट हैंड पे आपका जो है कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाते हैं सेक्टर 2 के, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये है रहेजा मॉल, जो कि सेक्टर 2 के अंदर आता है। इसके अंदर जिंजर होटल ऊपर बना हुआ है, और नीचे की तरफ जो है कुछ शॉप वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं और बैंक हैं इसके अंदर। और इसके ठीक सामने चौक है और मीडियोर हॉस्पिटल है, जिसका नाम पहले रॉकलैंड था। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ इसको। दोस्तों वैसे तो ये नाम का ही मॉल है कुछ नहीं, 3-4 बैंक है इसके अंदर अच्छे, जैसे ICICI बैंक हो गया, ये इसके अंदर ICICI बैंक, और इधर IDBI हो जाता है, और उधर यस बैंक हो जाता है, ऊपर इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो टोटल 4-5 बैंक है इसके अंदर, खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं, बाकी और तो कुछ है नहीं। और ये बगल वाला है, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। एजा मॉल के ठीक सामने जो सेक्टर 3 है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, जिसका नाम पहले रॉकलैंड था, अब नाम चेंज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्टर 3 और 2 का चौक है। इस चौक के ठीक सामने ये है जी मीडियोर हॉस्पिटल, जिसका नाम पहले रॉकलैंड हुआ करता था। और ये सामने हो गया आपका रहेजा मॉल, जिसके अंदर जिंजर होटल हो जाता है। तो ये ठीक आमने सामने है, और जो अगले वाली रेड लाइट है उधर वो होंडा कंपनी आ जाती है। ये बेसिकली सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं,
चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, रहेजा मॉल के जस्ट बगल वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, ये है रहेजा मॉल के जस्ट बगल वाला। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, सारा वीरान पड़ा है। ये देखो आप, बाद में मत बोलना कि दिखाया नहीं, पर देख लो आप, कुछ नहीं है, सोना सपट। ये वाला कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल खाली पड़ा है, इसके अंदर भी कुछ है नहीं। अब अगले में चलते हैं। ये सामने होंडा कंपनी का परिसर है और ये चौक है। इस चौक के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ती है होंडा कंपनी, और होंडा कंपनी के ठीक सामने ये हो जाता है आपका मीडियोर हॉस्पिटल। मीडियोर हॉस्पिटल और ये चौक है, इस चौक के ठीक सामने ये है जी आपका इरोस कॉरपोरेट पार्क। ये देखिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। और ये सामने है अमरपाली, जिसके अंदर हमें जाना है। चलिए पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। मैं, ये सबवे रेस्टोरेंट है और इसके जस्ट बगल में सेंट्रल बैंक है और उसका एटीएम। ये एंट्री, ये एचडीएफसी बैंक और ये आईडीएफसी, और छोटे मोटे ऊपर भी हैं कुछ बैंक, और एक्सिस बैंक लोन डिपार्टमेंट है इसके अंदर एक। चलो भाई इसको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, है कुछ नहीं इसके अंदर। अंदर से शानदार बना हुआ है ये, इसमें कुछ कंपनियों के ऑफिस खुले हुए हैं जो चल रहे हैं। इरोस कॉरपोरेट पार्क अंदर से तो बहुत अच्छा बना हुआ है और कुछ कंपनियों के ऑफिस भी यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आधा अभी खाली पड़ा हुआ है ये। चलो भाई इरोस कॉरपोरेट पार्क भी आपको घुमा दिया, अब यहाँ से चलते हैं। ये है जी ऊपर आने के एंट्रेंस। चलो अभी तो फिलहाल चलते हैं, नीचे गार्ड बैठा हुआ। चलिए भाई इरोस कॉरपोरेट पार्क तो आपको घुमा दिया मैंने, अब हम लोग चलते हैं अमरपाली में। वहाँ पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट कोरियर करने हैं बॉम्बे, और अमरपाली भी आपको दिखा देता हूँ। ये वो अमरपाली है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, बस चार पांच बैंक है। ये है अमरपाली, तो अमरपाली ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है, कुछ खास इसके अंदर रहा नहीं, मेंटेनेंस इसका कुछ करा नहीं पिछले 7-8 सालों में, ऑलमोस्ट 10 साल बने हुए हो गए शायद इसको। और इसके अंदर एक तो कोटक महिंद्रा बैंक है, और ये सामने एक्सिस बैंक हो जाता है, और अंदर एसबीआई बैंक है, और शायद एक दो और बैंक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अमरपाली बिल्कुल हो रखा है खंडर इसमें कुछ बचा ही नहीं। यह है एयरटेल का छोटा सा ऑफिस, और इसके अलावा अगर आपको लैपटॉप वैपटॉप कुछ बनवाने हैं और अपने आधार कार्ड वगैरह बनवाने हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। ये है जी ग्राहक सेवा केंद्र, एक ये रेस्टोरेंट है इसके अंदर। इस मॉल के अंदर दुकानें तो कोई चल नहीं रही क्योंकि ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है ये, तो यहाँ कुछ स्पा सेंटर भी खोल दिए हैं, जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ दारू की दुकान खोल दो या स्पा सेंटर खोल दो, वही चलते हैं और तो कुछ चलता नहीं यहाँ। ये है जी भारतीय जीवन बीमा का ऑफिस, और सामने एसबीआई बैंक, और बस एसबीआई बैंक के बगल में कोरियर वाले की दुकान है। ये है जी अंदर से अमरपाली, ये पेपरी का रेस्टोरेंट और एक डेल का एक्सक्लूसिव शोरूम लिख तो रहे हैं, लेकिन होता कुछ है नहीं यहाँ, बाकी सारा खाली पड़ा, खंडर हो रहा है बिल्कुल। ये देखो कुछ है नहीं इसके अंदर ऑलमोस्ट। ये इसका सामने से एंट्रेंस है,
और ये बैक साइड है। यहाँ पर आपको एक यूको बैंक मिल जाएगा और SBI बैंक मिल जाएगा अंदर। ये देखो क्या हालत हुई है, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया ये। ये था जी लास्ट अमरपाली कॉम्प्लेक्स या मॉल बोल दो इसको, है तो कुछ नहीं इसके अंदर, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है सब कुछ, यहाँ पे खंडर हुआ पड़ा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सेक्टर 2 IMT मानसर घूमना आना है तो आप लोग आ सकते हैं, मैंने आपको दिखाई दी वीडियो, बाकी आपकी चॉइस है।